हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में देश के पहले 12 ज्योतिर्लिंगों वाले शिवधाम का नींव पत्थर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रखा। इस दौरान पहली बार पर्यटन विभाग ने 2 मिनट के एनिमेटेड वीडियो से शिवधाम के स्वरूप के अद्भुत दर्शन भी करवाए। जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर कांगनी धार में 3 से 4 साल के भीतर 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में इस शिवधाम को विकसित किया जा रहा है। शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव, गणेश की प्रतिमा, संग्रहालय, हर्बल गार्डन, नक्षत्र वाटिका, एमपी थिएटर, ओरिएंट सेंटर और कार पार्किंग की सुविधा होगी। 150 करोड़ रुपए के शिवधाम का डिजाइन ओम की आकृति में है। इसे 960 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बनाया जाएगा। ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर के अनुसार सिक्किम के नामची स्थान में 4 ज्योतिर्लिंगों वाला शिवधाम है। सिक्किम शिवधाम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए विधायकों और अधिकारियों का दल भी वहां जा चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगनी धार में शिवधाम को 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा और ये छोटी काशी मंडी आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप भगवान शिव और गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और म्यूजियम, फूड कोर्ट, हर्बल गार्डन समेत अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध होंगी। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीड टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीड टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।